नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका तो 14 जुलाई 2020 को जो मीटिंग हुआ था उसमें एक नया घोषणा किया गया था कि नई भर्तियों में अब तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि होगी पहले दो वर्ष की हुआ करती थी अब तीन वर्ष के लिए परिवीक्षा अवधि होगी और इसी से संबंधित एक और नया अधिसूचना जारी हो चुका है जिसमें आपको बताया जाएगा क्या क्या उसमें बताया गया है तो बहुत लोगों का उसी समय से सवाल था क्या कि इससे सैलरी का प्रभाव पड़ेगा क्या तो बहुत लोगों ने इसमें बताया था कि सैलरी पे प्रभाव नहीं पड़ेगा सिर्फ अवधि मतलब आपका ट्रेनिंग जैसा होता है ऐसा करके बता रहे थे और इसमें क्या है तीन वर्ष के बाद रेगुलर किया जाएगा ऐसा बता रहे थे तो सामान्यतः सभी अवधि के बाद रेगुलर हो ही जाते हैं कोई बर्खास्त नहीं होता लेकिन इसमें संशोधन कर दिया गया है अवधि वाले नियम में और ये बिल्कुल मध्य प्रदेश में जो अधिसूचना जारी हुई थी अभी दो में उसी तरह का अधिसूचना यह भी है तो इसमें इस तरह का नियम बना दिया गया है कि प्रथम वर्ष में पद का जो न्यूनतम वेतनमान है उसका सत्तर प्रतिशत ही प्राप्त होगा द्वितीय वर्ष में अस्सी प्रतिशत और तृतीय तीन वर्ष का होगा तो तृतीय वर्ष में जो न्यूनतम होगा वेतनमान उसका नब्बे प्रतिशत प्राप्त होगा तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि खत्म होने के बाद आपका पूरा न्यूनतम वेतन जो होता है वो मिलेगा बहुत लोगों का ये भी कमेंट था क्या वो दैनिक वेतन भत्ते जो लागू होते हैं सरकारी कर्मचारियों पे वो जो, जो वेतन भत्ते होते हैं और भी कई वो लागू होंगे कि नहीं होंगे तो उस समय बोल रहे थे चौदह जुलाई को जब तीन वर्ष की अवधि के बारे में बात किया गया था तो बोल रहे थे कि यही लागू नहीं होता जो वेतन भत्ते हैं बाकी वेतन पूरा मिलेगा बस वो भत्ते लागू नहीं होता ऐसा बताया जा रहा था लेकिन ऐसा कुछ नहीं है वेतन भत्ते जो सरकारी कर्मचारियों के लागू होते हैं वो लागू होंगे यहाँ लिखा हुआ है परंतु परिवीक्षा अवधि में स्टैपेंट के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे जो भी वेतन भत्ते होते हैं महंगाई भत्ता और क्या डी कई होते हैं एच तो वो सब लागू होंगे लेकिन सत्तर अस्सी और नब्बे प्रतिशत के हिसाब से ही मिलेगा तो मान लीजिए पैंतीस हज़ार है तो उसका सत्तर प्रतिशत आपको मिलेगा मान लो न्यूनतम पैंतीस हज़ार बन रहे हैं तो उसका सत्तर प्रतिशत आपको मिलेगा एक अंदाजन बता रहा हूँ रफली उसी प्रकार से पच्चीस का सत्तर प्रतिशत और अड़तीस का सत्तर प्रतिशत इस तरह से वेतनमान बनेगा और ये जारी हुआ है ही एक अट्ठाईस को ही मेरे पास आ गया था ये पी लेकिन वीडियो आज बना रहा हूँ और ये जारी हो चुका है इसमें संशोधन कर दिया गया है देख सकते हैं संशोधन है ये पहले ऐसा नियम नहीं था लेकिन अब से नई भर्ती जो होगी उसमें ये नियम लागू होगा छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में भी ये नियम लागू होगा तो इस तरह की जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही साथ शेयर कर दीजिए इसको धन्यवाद जय हिंद